हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी सेंटेंस के हवाले से है और इसके टाइप्स के हवाले से है। इस वीडियो में हम जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और फंक्शन उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स सी के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और मीनिंग क्या है। सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और फंक्शन रादर देन द स्ट्रक्चर। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, कि जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है और कम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो वहाँ पर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्लॉज कौन सा क्लॉज आ रहा है, कितने क्लॉजेज आ रहे हैं, तो उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। इन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस we'll talk about on the basis of meaning, के हम meaning को देखेंगे, structure को नहीं देखेंगे, function को देखेंगे। Here we are not concerned with the structure or clauses in a sentence, rather we focus on the meaning or function. So declarative sentence है हमारे पास, जिसको हम assertive sentence भी कहते हैं, imperative sentence है, interrogative sentence है, exclamatory sentence है, negative sentence है और optative sentence है। अभी declarative और assertive sentence क्या है? A declarative sentence is the common and basic type of sentence. Its purpose is to give information and it is punctuated with a period. Remember that declarative sentence is the type of sentence जो हमें एक statement देता हो, एक बात करता हो, एक आम मालूमात हमें information देता हो, तो उस sentence को हम क्या कहेंगे? उसको हम declarative कहते हैं। Simple declarative sentences can make basic or simple statement. Simple एक statement हमें देता हो तो उस sentence को हम declarative कहते हैं। The boy walked home. I love honey. My mother is a nurse. ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल बातें हो रही है, सिंपल बात कर रहे हैं ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस नेक्स्ट टाइप है। एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस इन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शन। अभी इंपेरेटिव का काम क्या है, फंक्शन क्या है, कि ये हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, नसीहत, प्रोहिबिशन, ममानियत जिसमें हम किसी काम से मना करते हैं किसी को, और इंस्ट्रक्शन या हिदायत देगा। इट ऑलवेज बिगिंस विद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड मे एंड विद अ पीरियड और एक्सक्लेमेटरी मार्क। रिमेंबर, इसके शुरू में आम तौर पर हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और इसके आखिर में या तो पीरियड होगा फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। अगर उस सेंटेंस में हम गुस्सा वगैरह दिखाते हैं तो फिर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। द सब्जेक्ट इज़ नॉर्मली ओमिटेड बिकॉज इट इज़ एड्रेस्ड टू सेकंड पर्सन यू। असल में इसमें सब्जेक्ट नॉर्मली यू होता है जिसको हम ओमिट करते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ मैंशन इट इज़ फॉलोड बाई अ कॉमा। अगर हम सब्जेक्ट मैंशन करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। सो हियर अली सब्जेक्ट है, इसके बाद मैंने कॉमा लगा लिया। अदरवाइज गेट आउट, यहाँ पे यू जो है वो ओमिटेड है। ठीक है, यू गेट आउट ऑर्डर है, हेल्प मी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, टर्न लेफ्ट इन द नेक्स्ट कॉर्नर ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन है। अभी आप देख सकते हैं कि शुरू में क्या रहा है, बेस फॉर्म अप, गेट, हेल्प, टर्न, डू नॉट टॉक इन द क्लास प्रोहिबिशन है, रिस्पेक्ट यूअर एल्डर्स। ठीक है, यूअर एल्डर्स यहाँ पे ये एडवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रागेटिव सेंटेंस। अभी ये क्या है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, वो सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, उसको हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और इसके एंड में नॉर्मली हमारे पास आमतौर पर क्वेश्चन मार्क आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस जिसको हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस भी बोलते हैं, और यस नो क्वेश्चंस जिसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। अभी डब्ल्यू एच क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस क्या है, दोज क्वेश्चंस विच बिगिन विद डब्ल्यू एच वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स, और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाई एट्सेट्रा, एंड आर आंसर्ड विद अ फुल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और इसका जवाब हम एक पूरे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, सो जवाब क्या होगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे व्हाट से शुरू हो रहा है तो ये हमारे पास डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन पाकिस्तान, ओके सो वेयर डू यू लिव ये क्वेश्चन है। Why are you crying? I'm crying because I have lost my friend. Okay? So why are you crying? ये हमारे पास WH question है। Yes, no questions. Those questions which either begin with a helping verb or a linking or state verb and are answered with yes or no. Remember, yes, no question हमेशा हम helping verb या
लिंकिंग स्टेट वर्ब जो है इज़ आर एम बी वर्ब जो होते हैं उसके साथ बनाते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो वो यस नो क्वेश्चन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे इज़ जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यस ही इज़। डू दे लर्न इंग्लिश, यस दे डू। आर वी हैप्पी, नो वी आंट। इज़ ही योर ब्रदर, यस ही इज़। रिमेंबर, जिस टेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं उसी टेंस में हम इसका जवाब देते हैं और यस या नो के बाद हम कॉमा लगाते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट निगेट्स एन एक्शन और स्टेट बाय यूजिंग नॉट। नॉट के साथ हम किसी काम से इनकार करते हैं, उसको निगेट करते हैं। नॉट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब टू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है कि हम हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो है उसके बाद नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अली प्लेज क्रिकेट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसको हम नेगेटिव में कैसे करेंगे कन्वर्ट। अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और नॉट जो है वो हमारे पास नॉट नेगेटिव पार्टिकल आ गया। ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ नॉट वॉकिंग, इज़ के बाद नॉट लगा लिया। ही इज़ यंग, ही इज़ नॉट ओल्ड। आई एम नॉट हैप्पी, एम हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, मैंने इसके बाद नॉट लगा लिया। सो नॉर्मली हम थर्ड पोजिशन पर जो है नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट पर हेल्पिंग वर्ब पर नॉट या सब्जेक्ट पर लिंकिंग वर्ब पर नॉट, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कॉल्ड एन एक्सक्लेमेशन। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हम बनाने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं और वो स्टेटमेंट क्या दिखाता है, इट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच ए सरप्राइज, लव, हेट और एंगर। तो इस तरह के फीलिंग्स दिखाते हैं जिस सेंटेंस में या बयान करते हैं, तो उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट और एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। तो ये मार्क जो है उसके एंड में हम लगाते हैं, पीरियड की जगह, फुल स्टॉप की जगह हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, सो आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माय फीलिंग्स अबाउट हर। द सिली बॉय, अगेन यहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क। थैंक यू सो मच, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, सो थैंक यू सो मच लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, कीन विश, कर्स एट्सेट्रा। वो सेंटेंस जिसमें हम किसी को दुआ देते हैं, बददुआ देते हैं या किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विद मे और विश, इस तरह के सेंटेंस के शुरू में या मे आएगा या विश। एंड समटाइम्स मे रिमेंस हिडन, और मे को हम रिमेन मतलब के ओमिट भी कर सकते हैं, हिडन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, दुआ दे रहे हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, अगेन दुआ दे रहे। विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, विश यू ऑल द सक्सेस अहेड, ठीक है। तो हम किसी को विश कर रहे हैं या किसी को दुआ या बददुआ दे रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।